अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम यूनिट नंबर 18 टेंथ क्लास का एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स उसकी एग्जांपल प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो बच्चे न्यू है चैनल पे जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको रोज़ हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो बच्चों इस चैप्टर की 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं वो मैं सॉल्व करूँगा इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए आएंगे इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बहुत जरूरी होती हैं, अगर वो समझ आ जाए तो न्यूमेरिकल हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, पसंद आए तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। तो मैं पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की लास्ट चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स उसकी पहली एग्जाम्पल प्रॉब्लम रीड करता हूं। पहली एग्जाम्पल प्रॉब्लम है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लाइड डिफाइंड बाय X613। कहता है इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बताइए और मैं फिर ड्रॉ भी करूंगा आपके सामने। जो हमें गिवन दिया है उसने सिर्फ और सिर्फ दे दिया है X सिंबॉलिकली। कहता है गिवन डेटा के अंदर जो आपके पास न्यूक्लियाइड है वो है जी X613, ये आपको दिया गया है। और कहता है मालूम क्या कीजिए, मालूम कीजिए दो चीजें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जी के साथ, कैपिटल जी के साथ, कैपिटल जी के साथ जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी चीज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैपिटल एन के साथ जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी बच्चों हम जानते हैं फार्मूला, इसमें जी फार्मूला यहां क्या लगेगा, हम जानते हैं कि जो आपके पास ये सिंबल है इसके अंदर ये यहां पे Z होता है, एटॉमिक नंबर होता है नीचे, और यहां पे एटॉमिक मास होता है यानी एटॉमिक वेट होता है। ये एटॉमिक मास है, ये एटॉमिक नंबर है Z के साथ और ये A के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो न्यूट्रॉन नंबर कहां होगा, इसी के अंदर न्यूट्रॉन नंबर छुपा हुआ है क्योंकि एटॉमिक मास के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों प्लस हो रहे होते हैं, बताऊंगा अभी मैं आपको। अच्छा जी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है इस रिलेशन से, जो रिलेशन है अगर मैं इसको इसको क्या करता हूं, कंपेयर करता हूं, कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग विद गिवन, जो गिवन है मुझे अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे पता चला कि यहां से Z जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, यहां से मुझे पता चला जो एटॉमिक नंबर है जिसे कैपिटल Z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है वो है 6 के बराबर। इसका मतलब एटॉमिक नंबर है 6, ये आपके पास आ गया, ये है नंबर ऑफ, ये मेरे पास आ गए नंबर ऑफ, अलहदा से लिख दीजिए प्रोटॉन्स, Z इज इक्वल टू 6 आ गया। कंपैरिजन किया, ये ऐसी ऐसा सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। अब जी ये जो एटॉमिक मास, ये देखिएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास A किसके बराबर नजर आ रहा है मुझे इस कंपैरिजन से, कंपेयरिंग करते हैं फिर से, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। कंपेयरिंग विद गिवन, गिवन क्या है 6 13, तो मुझे यहां से पता चला कि A क्या है, किसके बराबर है 13, और A होता क्या है, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनको कुल मिला के ऐड करिए तो एटॉमिक मास होता है। इसका मतलब ये A है और ये किसके बराबर दिया गया है 13 के। अब जरा गौर करिए, ये तो मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, ये क्या है Z, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन Z है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन N है, ये दोनों जमा होके किसके बराबर आ रहे हैं A के, और A किसके बराबर है 13 के। इसका मतलब Z प्लस N इज इक्वल टू 13, मिसिंग क्या है N, क्योंकि Z तो पहले मालूम कर चुके हैं, N किसके बराबर आ जाएगा 13 माइनस Z। एक एक पॉइंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके जहनों में किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्चुअली आपको बता रहा हूं, कोई पॉइंट बीच में स्किप भी कर देंगे नो वरी। तो बच्चे बचाइए क्या आंसर आ गया, N इज इक्वल टू 7, ये आपके पास आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। और अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और बाहर घूम रहे होते हैं जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कितने थे 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे, ठीक है, जिक्र तो नहीं हुआ उनका, ये 6 ये 7, कुल मिला के कितना बना 6 प्लस 7 13, जो ये लिखा था। क्लियर हो गया जी, नेक्स्ट एग्जांपल प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं 18.2।
नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखते हैं पेज नंबर 181 पे. द एक्टिविटी ऑफ ए सैंपल ऑफ अ रेडियो एक्टिव बिस्मिथ डिक्रीजेस टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल एक्टिविटी इन 15 डेज. कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द सैंपल. कहता है आपके पास बिस्मिथ था, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट. आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो कंटिन्यूसली डिके होते जाते हैं, टूटते चले जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होते चले जाते हैं, उनमें से रेडिएशन खारिज होती चली जाती है. और आप जानते हैं जब रेडिएशन खारिज होती चली जाएंगी तो उनका वजूद साइज में छोटा 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 होता जाएगा, सैकड़ों साल हजारों साल लग जाएंगे उनको बिल्कुल खत्म होने में. कहता है बिस्मिथ जो है अपनी ओरिजिनल अमाउंट से 1/8 रह गया, 1/8 गुना. कितने दिनों के अंदर? 15 डेज के अंदर. तो बताइए उसकी हाफ लाइफ कितनी है, हाफ लाइफ कितनी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं. डेटा क्या दिया है, यहां से डेटा निकालने की कोशिश करते हैं. गिवन डेटा है हमें बिस्मिथ सैंपल है हमारे पास. मान लीजिए उसका नाम है ए नॉट. ओरिजिनल आपके पास ए नॉट सैंपल था. अच्छा, साथ ही कहता है ये कितना रह गया, ये 1/8 रह गया. इसका मतलब ये है 1/8 ऑफ ओरिजिनल सैंपल. असल जो अमाउंट थी फर्ज करिए 200 ग्राम था. 200 को 8 से 200 को 8 से डिवाइड करिए, क्या बचेगा, 25 ग्राम बचा हमारे पास. और डेज कितने लगे, 15 डेज. आफ्टर डेज हमारे पास कितने उसने दिए, डेज हैं 15, 15 दिन हैं. और पूछ क्या लिया है, कहता है टू फाइंड हाफ लाइफ, टी इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है हाफ, ये मालूम कीजिए. अब हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है, हाफ लाइफ की डेफिनेशन है हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी ओरिजिनल अमाउंट का हाफ रह जाए. यहां तो 1/8 रह गया, हाफ से भी 4 टाइम्स ज्यादा. हाफ रह जाना अमाउंट का वो होता है हाफ लाइफ. हाफ रह जाना, 200 ग्राम था 100 रह जाता ना, वो जो टाइम है वो होता इसका हाफ लाइफ. 200 ग्राम का 100 ग्राम रह जाता, 100 ग्राम का 50 ग्राम रह जाता, 50 होता तो 25 रह जाता. लेकिन यहां तो 200 से कितना रह गया, 25 मिसाल दे रहा हूं, 1/8 रह गया, तो कितना टाइम लगा होगा. कहता है बताइए इसकी हाफ लाइफ कितनी है, एक हाफ लाइफ कितनी है. 15 दिन के अंदर इतना रह गया है तो बताइए इसकी हाफ अमाउंट रहने में, जो ओरिजिनली अमाउंट है ये, इसका हाफ रहने में, वैसे साइड पे लिख रहा हूं, ये रहने में कितना टाइम लगा होगा. ये रहने का टाइम तो मैं दे रहा हूं 15 दिन है, 1/4 टाइम्स ज्यादा का टाइम दे रहा हूं, 1/2 टाइम्स का बताइए कितना टाइम लगा होगा. तो ऑफकोर्स थोड़ा टाइम लगा होगा, 15 दिन में इतना कम हो गया है. 200 बटा 8 करे तो 25 आता है. लेकिन कहता है 200 बटा 2, 100 ग्राम रहते हुए, 25 की तो बात मैंने कर दी, 100 ग्राम रहते हुए कितना वक्त लगा होगा वो बताइए. ठीक है, 200 से 100 रह गया, 200 से 25 नहीं, 200 से 25 का तो टाइम मैं दे देता हूं, बताइए 100 तक आते हुए से कितना टाइम लगा होगा, वो है हाफ लाइफ, हाफ रह जाना उस सैंपल का, बजाय 8 गुना कम होने के. ठीक है जी, अब देखिए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ. फार्मूला यहाँ क्या लगाना है, हाफ लाइफ, हाँ जी, फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ बिस्मिथ. बताइए फर्स्ट हाफ लाइफ जो बिस्मिथ की होगी टी 1/2, इसमें सैंपल कितना रह जाएगा, हाफ. एक हाफ लाइफ में सैंपल का कितना रह जाता, हाफ. नेक्स्ट चलिए सेकंड हाफ लाइफ, यहीं से स्टार्ट होगी ना, ये सैंपल अब मिला होगा ना. सेकंड लाइफ हाफ लाइफ ऑफ बिस्मिथ क्या होगा, 2/2 सेकंड क्या आएगा, इसको 1/2 से मजीद डिवाइड कर दीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया, यहां पहुंचूंगा 1/8 कैसे आया, ओरिजिनल का 1/8 आने का क्या मतलब है, कितनी हाफ लाइफ से लगी है. थर्ड हाफ लाइफ ऑफ बिस्मिथ कितना आ गया, 3 गुना. अब क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आई है इसे फिर 1/2 से डिवाइड कर, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, या 2 से डिवाइड कर दें, ऐसे बोल दो, क्या आएगा, ओरिजिनल का
1/8 रह गया, स्टार्टिंग में ओरिजिनल अमाउंट का हाफ रहा, फिर दूसरी हाफ लाइफ में ओरिजिनल अमाउंट का 4 गुना हो क्या हो गया कम, तीसरी अमाउंट में ओरिजिनल का 8 गुना हो गया, पहुंच गए हम 8 गुना में। तो बताइए जरा 8 गुना कम होने में, 1/8 रहने में कितनी हाफ लाइफ लगी, कितनी हाफ लाइफ लगी, 1, 2 या 3? 1/8 अमाउंट रहने में कितनी हाफ लाइफ लगी, 3 हाफ लाइफ्स। तो मुझे यहां से पता चला 3 हाफ लाइफ्स के बाद हमारे पास ओरिजिनल सैंपल का 1/8 रह गया है, 1/8 रह गया है, 1/8 रह गया। तो बताइए क्या उसने ओरिजिनल आपको ये जो मेरे पास अमाउंट है 1/8 का टाइम दिया कि नहीं दिया, कितने दिन दिया था, 1/8 रहने का 15 दिन, तो 3 × 1/2 किसके बराबर, 15 दिन, तो 1 हाफ लाइफ का टाइम कैसे गया, तो 3 हाफ लाइफ्स का टाइम है ना, 3 हाफ लाइफ के बाद इधर तक पहुंचता है, हमने तो 1 हाफ लाइफ में पता करना है, तो 3 उधर जाके क्या कर जाएगा डिवाइड, तो बताइए क्या आंसर आ गया, 5 डेज। इसका मतलब 5 दिन में जो मैंने मिसाल दी थी, 5 दिन में 200 ग्राम था तो 100 रह जाएगा, 5 दिन में 100 रह जाएगा, और अगर 15 दिन लगे तो 25 ग्राम तक आ जाएगा, 100 से बाद में आप पता है 50 होना है, 200 का हाफ 100, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, मिसाल दे रहा हूँ, तो 200 से 100 आने में कितने दिन लगे होंगे, 5, 100 से 50 आने में फिर 5, 50 से फिर 25 आने में 5, तो टोटल मिला के कितने दिन लगे, 15 दिन, ये उसने हमें दिया था और मैंने यहाँ से यहाँ आने में 5 दिन पता चला लिए। ये है हाफ लाइफ ऑफ बिस्मिथ जो गिवन डेटा के मुताबिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल प्रॉब्लम की जाने। एग्जांपल प्रॉब्लम देखिए पेज नंबर 181 पे। एग्जांपल प्रॉब्लम गौर से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है एक्सरसाइज के अंदर। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज हाफ लाइफ आर 40 मिनट्स। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो 40 मिनट के अंदर अंदर डिके हो जाता है। कितना डिके होता है, सारे का सारा नहीं, हाफ रह जाता है। 100 ग्राम था तो 50 रह जाएगा, 1 ग्राम था तो आधा ग्राम रह जाएगा, 100 ग्राम था तो 50 रह गया, 200 ग्राम था तो 100 रह जाएगा 40 मिनट के अंदर। द इनिशियल काउंट रेट वाज 100,000 per minute। स्टार्टिंग में मेरे पास काउंट रेट, उसकी मिकदार, उसकी क्वांटिटी कितनी थी, 1000 per minute उसका काउंट रेट था। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द काउंट रेट टू ड्रॉप। बताइए कितना वक्त लगेगा कि ये 1000 per minute जो उनकी आपके पास काउंट रेट आपको नजर आ रहा था वो 250 काउंट रेट पर मिनट पे आने में कितनी देर लगेगी, 125 में आने में कितनी देर लगेगी, फिर उसके बाद इसका ग्राफ भी प्लॉट कीजिए। बहुत आसान है, आइए लिखते हैं गिवन डेटा और ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे हम। गिवन डेटा हमारे पास ओरिजिनल काउंट रेट पर मिनट कितनी है, वो है जी 1000। मर्जी है इसे किसी भी नाम से जाहिर कर लीजिए, ए नॉट से या एन नॉट से, नहीं करना फिर भी आपकी मर्जी। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जी हाफ लाइफ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, T1/2 सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखते हैं, और वो कितनी है जी 40 मिनट्स। जी सवाल ये है कि बताइए, 3 आंसर कीजिए कि 125,000 काउंट रेट पर मिनट से 125 काउंट 250 टाइम या टू रीच 1000 से कहाँ आना है, 250 काउंट रेट पर मिनट वो मालूम कीजिए पहला सवाल, फिर टाइम टू रीच 125 काउंट रेट पर मिनट, थर्ड सवाल है जी प्लॉट आ ग्राफ, ग्राफ प्लॉट कीजिए। आइए जी सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, फार्मूला तो सिंपल ही है। आप देखिए 1000 काउंट रेट से स्टार्ट करना है, 1000 काउंट रेट से, 1000 काउंट रेट हमारे पास इनिशियल थी। अब जानते हैं हाफ लाइफ कितनी उसने दी है, 40 मिनट्स। हाफ लाइफ आप जानते हैं T1/2, जिसमें के सैंपल अपनी एक्चुअल अमाउंट का हाफ रह जाता है। तो 1000 काउंट रेट से हाफ क्या होता है, 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 500 काउंट रेट्स। 500, 1000 काउंट रेट पर मिनट से 500 काउंट रेट्स पर मिनट आने में कितना वक्त लगा, 40 मिनट। ये उसने कहा हुआ था कि हाफ लाइफ जो है आधा रहने में उसको 40 मिनट लगते, तो साथ में मैंने T1/2 भी लिख दिया कि ये जो 40 मिनट है इसका हाफ लाइफ।
हाफ लाइफ है। अब बताइए 500 का हाफ क्या होगा, अगेन इसे 40 मिनट लगेंगे इसका हाफ होने में, इसका हाफ होने में कितना वक्त लगेगा, 500 का हाफ क्या होता है 250, अगेन इसे यहाँ से यहाँ 40 मिनट लगेंगे। हमने कहाँ जाकर स्टॉप करना है, 125 तक जाना है, तो 125 काउंट रेट पर मिनट तक जाना है। अगेन 225 को 40 मिनट लगेंगे कहाँ जाने में, कहाँ जाने में, 125 पे जाने में। अभी हमारे पास जो रिजल्ट है वो 125 काउंट रेट पर मिनट पे हम पहुंच गए, उसकी एक्चुअल अमाउंट 125 काउंट रेट पर मिनट रह गई है। जैसे मेरे पास 1000 ग्राम सैंपल हो और आहिस्ता 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 डिके होता हुआ 125 ग्राम रह जाए, बिल्कुल ऐसे ही उसने ग्राम किलोग्राम की बजाय उसकी अमाउंट किस में दी है, काउंट रेट पर मिनट के अंदर, ठीक है, जो हम पर मिनट उसके काउंट कर रहे हैं अमाउंट को। अच्छा, तो ये आपके पास ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकेंड हाफ लाइफ, ये थर्ड हाफ लाइफ आपके सामने है, 40 मिनट 40 मिनट। अच्छा, ये मेरे पास कुछ इनका रिलेशन बनता है। पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से दूंगा, टाइम टू रीच 250 काउंट रेट पर मिनट। बताइए ज़रा 250 काउंट रेट तक पहुँचते हुए कितना टाइम लग रहा है, 1000 से 250 पहुँचते हुए कितनी हाफ लाइफ्स लगी हैं, टू हाफ लाइफ्स आर टेकन टू रीच एक्चुअल काउंट रेट, टू एक्चुअल काउंट रेट को दो हाफ लाइफ लग रही है कहां तक पहुंचते हुए, 250 काउंट रेट तक, जी दो हाफ लाइफ। तो दो हाफ लाइफ को कैसे लिखा जाता है, t 1 by 2 इंटू टू। तो बताइए वैल्यू अगर पुट करूं तो एक हाफ लाइफ कितने मिनट की है, 40 मिनट की, तो कितना हो गया, 80 मिनट लगेंगे। ऐसे भी जमा कर सकते हो, 40 प्लस 40, 80 मिनट लगेंगे 1000 काउंट रेट से उसकी अमाउंट 250 काउंट रेट्स पर मिनट रहने में 80 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। दो हाफ लाइफ्स आपको नजर आ रही है, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है, क्लियर हो गया जी। हाँ जी, दूसरा इसका, दूसरे में कहता है 125 रहने में आपके सामने है 1 2 3, तो सीधा सीधा आंसर है ऐसे लिखेंगे, 3 हाफ लाइफ्स आर टेकन टू रीच एक्चुअल अमाउंट या एक्चुअल सैंपल टू 125 काउंट पर रेट पर मिनट। अच्छा, तो 3 का मतलब 3 × t 1/2 लिख लीजिए, 3 × 40 मिनट्स, तो बताइए कितने मिनट्स आए, 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स कितना होता है, 2 आवर, 2 घंटे लगेंगे कि 1000 काउंट पर मिनट से 125 काउंट मिनट काउंट्स पर मिनट तक ये आ जाएगा 2 घंटों के अंदर अंदर। बड़ी जल्दी डिके होने वाले भी सैंपल होते हैं 24 आवर्स के अंदर, 1 आवर के अंदर, लेकिन डिके हाफ हो रहा है और बिल्कुल ख़त्म होने में शायद इसे हज़ारों साल सैकड़ों साल लग जाए, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट के अंदर जब आएगा 0.5 का हाफ, 0.05, 0.05 का हाफ, 0.0025, इस तरह से डिवीजन चलती जाएगी और 0.0 something चलता जाएगा और बिल्कुल ख़त्म होने में शायद सैकड़ों साल लग जाए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इतने डीट हैं, ख़त्म ही नहीं हो पाते। तीसरा जी, ग्राफ प्लाट करिए, ग्राफ प्लाट कर देते हैं दो चीज़ों के दरमियान, काउंट रेट पर मिनट ये हमारे पास वाई एक्सिस पे है और टाइम पर मिनट हमारे पास एक्स एक्सिस में है। स्टार्ट कहाँ से लिया हमने, 1000 से, फिर हम कहाँ पे आए इसका हाफ, 500 पे, फिर हम कहाँ पे आए, 500 का हाफ 250 पे, फिर हम कहाँ पे आए, जी लिख लीजिए यहाँ, 200 लिखना तो लिख लीजिए, फिर हम कहाँ पे आए, 125 पे, फिर चलते चलते हम 0 होंगे और 0 होने में सदियां लग जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, 1000 से स्टार्ट हुए थे और बताइए ज़रा यहाँ जो टाइम था पहले कितना था, 40 मिनट्स, दूसरी में कितना लगा, 80 मिनट्स, और थर्ड में कितना लगा, 120 मिनट्स। तो ज़रा देखिए ग्राफ कुछ ऐसे आने वाला है, 500 तक रहने में इसके सामने आना चाहिए, ठीक है, ग्राफ जहाँ कीमत आपने टाइम की लिखी है उसके सामने, 500 तक यहाँ आ गया और टाइम 40 मिनट लग गया, ठीक है। ग्राफ बनाने का तरीका भी साथ बता रहा हूँ, ये देखिए 250 अमाउंट रह गई और 80 मिनट लग गए, फिर आगे 125 तक जाना है,
ये 125 सैंपल रह गया और 100 सिलसिला चलता रहेगा और सदियां लग जाएंगी आपको इसका एक्चुअल अमाउंट ख़त्म होने में। ये थी एग्जांपल प्रॉब्लम्स बच्चों, तीन इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो आपको एग्जांपल प्रॉब्लम्स क्रिस्टल क्लियर हैं, कैसे हाफ लाइफ फाइंड की जाती है, फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, अमाउंट कैसे डिटर्मिन करते हैं, कितनी रहेगी कितनी रहेगी, तो ये आप जानते हैं, ये रूटीन का हमारा हिस्सा है। तो बच्चों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स बड़े बड़े इंटरेस्टिंग। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।